प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं उधमपुर डोडा कठुआ संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर वसूली की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस के विधायकों व सांसदों ने जानबूझकर वसूली को नजरअंदाज किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कठुआ से अपना चुनाव प्रचार आरंभ किया और वसूली तक कई स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इन सभाओं के दौरान वसूली की बदहाली के लिए कांग्रेस पर बरसते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वसूली के लोगों ने कांग्रेस के कई नेताओं को विधायक व सांसद बनाया और ये लोग सालों तक मंत्री पद पर भी बने रहे, लेकिन इन नेताओं ने वसूली के लोगों का ख्याल रखने के बजाय अपने कश्मीरी आकाओं को खुश करने का काम किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि वसूली से कांग्रेस के मंत्री होने का क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन इन मौका परस्त लोगों ने वसूली के लोगों की दिक्कतों व परेशानियों को और अधिक बढ़ा लिया। लेकिन मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में वसूली को देश विदेश में नहीं पहचान मिली। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने वसूली पेंटिंग्स और वसूली के पश्मीना को GI टैग दिलवाकर विश्व भर में इनकी पहचान कायम की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये काम कांग्रेस के नेता व मंत्री भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें वसूली के लोगों से ज्यादा अपनी कुर्सी प्यारी थी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वसूली को हेरिटेज टाउन का दर्जा मिलना चाहिए और इसके लिए मोदी सरकार ने प्रक्रिया आरंभ कर दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा वसूली व बिलावर को मिलाकर जिला बनाने की मांग की है और पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर वसूली बिलावर को जिले का दर्जा प्राप्त है। भाजपा का कठुआ व वसूली के लिए अलग अलग जिला प्रधान है, क्योंकि भाजपा जानती है कि वसूली बिलावर के लोगों के लिए प्रशासनिक कार्यों के लिए कठुआ तक जाना मुश्किल भरा रहता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि NDA सरकार के कार्यकाल में जब भी परिसीमन होगा, क्षेत्रीय लोगों की ये मांग भी पूरी होगी। पुष्प की वर्षा डॉक्टर जी के यहाँ पर। डॉक्टर जी किस पावन धरती पर, महान पर किसकी पावन धरती पर, इस महान धरती पर आपका वेलकम करते हैं। तो आइए माता की डॉक्टर जितेंद्र सिंह।